तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ भाई विशाल मेगा मार्ट में, जो कि ये सबसे ग्रैंड है मऊ में, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यही है। ऑल राइट, सो है गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे हो आप सब? आई होप गाइज आप सब लोग मस्त हो गए। तो गाइज आज काफ़ी दिनों बाद यार आज ब्लॉगिंग करने तुम्हारा भाई निकला हुआ है, कम से कम 15 दिन बाद। सो भाई आज का, वैसे तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे, ठीक है। सो भाई आज हम लोग जा रहे हैं मऊ, और मऊ में बनाएंगे भाई टॉप 10 शॉपिंग मॉल इन मऊ। भाई हमारे मऊ में बहुत 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 ही तरह तरह के शॉपिंग मॉल्स खुल रखे हैं, तो उसका भाई हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मतलब आप लोगों को बेस्ट जो उसमें से रहेगा, कम से कम 25-30 शॉपिंग मॉल्स हैं, लेकिन आज जो भी बेस्ट रहेगा, वर्थ इट रहेगा आप लोगों के लिए, मैं वो दिखाने वाला हूँ, टॉप 10 शॉपिंग मॉल भाई इन मऊ। ओके भाई, बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला हूँ आज यार ब्लॉग बनाने के लिए, बिकॉज अभी तो मैं यहाँ देख सकते हो ये डाइवर्जन भाई, यहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ था भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, देखो एम्बुलेंस भी आ गई एक्सीडेंट का नाम लेते ही, देख सकते हो। सो भाई डाइवर्जन के यहाँ जो कोपागंज में डाइवर्जन है यार, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से बाइक को टर्न लेना, बिकॉज़ यहाँ पे एक बस वाला पीछे से मारा ऐसा कि भाई छोड़ो हटाओ जाने दो। तो चलो गाइस व्लॉग कंटिन्यू करके चलते हैं हम लोग मऊ में, टॉप 10 शॉपिंग मॉल इन मऊ, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है भाई। ओके लेट्स गो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Guys, अभी हम लोग आ गए मऊ में, फर्स्ट जो शॉपिंग मॉल में आए हुए हैं हम लोग, वो है यूनिक बाजार। जो यूनिक बाजार है भाई, सबसे पहले मऊ में यही खुला था। वैसे एक चीज़ गाइस बताना आप लोगों को, मैं भूल ही गया कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, देखते हैं भाई। एक बार आगे से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ भाई यूनिक बाजार। ये इसका अंडरग्राउंड पार्किंग है गाइस, चलो अंदर से थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं। सो गाइस ये है हमारे मऊ का पहला शॉपिंग मॉल, और मेरे वीडियो का भी पहला शॉपिंग मॉल है। तो गाइस आप लोगों का इसमें आने का एक फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें जो सामान और कपड़े रहते हैं ना भाई, काफ़ी कम प्राइस का लेवल बहुत ही कम रहता है, और काफ़ी अच्छे अच्छे सामान और कपड़े भी मिल जाते हैं आप लोगों को इसमें से। सो गो फॉर इट। सो गाइस फर्स्ट शॉपिंग मॉल आप लोगों को मैं दिखा दिया मऊ का जो था, अब आ गए हम लोग सेकेंड शॉपिंग मॉल में। मैं ज़्यादा नहीं अंदर से दिखाऊँगा, बस थोड़ा मोड़ा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं, देख सकते हो भाई वी बाज़ार में। वी बाज़ार थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि आगे से कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। चलो वी बाज़ार भी अंदर से थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं, देखते हैं वी बाज़ार में क्या है भाई। देखो वी बाज़ार में भाई मैं एक बार भी नहीं गया हूँ, चलो आओ देखते हैं क्या है, ठीक है। सो भाई जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं वी बाज़ार के, तो मुझे क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे तो जेंट्स के कपड़ों की भरमार लगी पड़ी है, देख सकते हो आजू बाजू बहुत ही ज़्यादा गई, और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े भाई और टी शर्टें वगैरह दिख रही थी मुझे। मुझे तो लेने का मन कर रहा था, बट क्या है कि मुझे लेना नहीं था गाइस। और गाइस एक चीज़ मैं और बता दूं, घर के यूज़ के सामान और जो जितना अच्छा जेंट्स लोग का रहता है, उतना ही अच्छा गाइस लेडीज़ लोग का भी इसमें कपड़ा रहता है। सो भाई जितने भी शॉपिंग मॉल मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ गाइस, वो सब वर्थ इट रहने वाला है, सो वॉच टिल एंड। आ गए तीसरे शॉपिंग मॉल में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, ट्रेंड्स है इसमें भाई, बहुत ही ब्रांड सामान मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा महंगा, और इसमें भाई कैमरा भी अलाउड नहीं है, देखते हैं थोड़ा सा शूट करना है, देखते हैं क्या होता है, हो पाता है कि नहीं। चलो आप लोगों को अंदर से भी दिखा देते हैं भाई, ये सब मैं आप लोगों को अभी टॉप 10 शॉपिंग मॉल में से 10 शॉपिंग मॉल दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो बेस्ट है, जहाँ से आप लोग बढ़िया शॉपिंग कर सकते हो, वो मतलब मॉल्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये है हमारा ट्रेंड्स शॉपिंग मॉल। इसमें आने के बाद ना गाइज आप लोगों को कपड़े पसंद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको हर कपड़ा पसंद आएगा, क्योंकि भाई इसमें बहुत ही महंगा और अच्छा सामान रहता है, और हर ब्रांड की गाइज फर्स्ट कॉपी रहती है, ना कि थर्ड। तो गाइस अभी हम लोग उस मॉल में से निकल के आ गए, देख सकते हो वी मार्ट में, देख ही सकते हो मेरे पीछे कितना बड़ा मतलब
शॉपिंग मॉल है। सो अभी मैं इसमें भी नहीं गया हूँ भाई एक बार भी, चलेंगे इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद भाई आप लोगों को बताते हैं। चलो अब चलते हैं वी मार्ट में, बाइक लगाओ भाई, एक बार आप लोगों को आगे से दिखा देता हूँ। वी मार्ट कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो। तो चलो गाइज अंदर चलते हैं वी मार्ट के। सो गाइज इस मॉल में हम लोग गए, कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा थे, बट मुझे इस वाले मॉल में मज़ा नहीं आया, क्योंकि भाई इसमें पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मुझे इसमें अच्छा ही नहीं लग रहा था। और कपड़े भी देखो बार बार इसमें की लाइटें भी कट रही थी, और भाई कपड़े बहुत थे बट गाइज अभी मैं आ गया हूँ भाई मैं विशाल मेगा मार्ट में, जो कि ये सबसे ग्रैंड है मऊ में, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यही है। सो चलो अंदर इसको भी दिखाते हैं भाई। भाई देखो इसमें मैं मुझे एक बार मतलब स्टॉक कर दिए थे, मैं वीडियो बना रहा था तो फिर भी रिस्क ले रहे हैं। चलो दिखाते हैं आप लोगों को क्या है अंदर क्या नहीं, ठीक है। भाई देखो ये जो मऊ का है ये सबसे ग्रैंड शॉपिंग मॉल है, मेगा शॉपिंग मॉल है, ठीक है। तो चलो गाइज विशाल मेगा मार्ट में अंदर चलते हैं। सो गाइज विशाल मेगा मार्ट मेरा फेवरेट है पूरे मऊ का, बहुत ही अच्छा शॉपिंग मॉल है, हर सामान मिलता है इसमें और अच्छा अच्छा मिल जाता है इसमें। और मुझे सबसे अच्छा इस पे लास्ट वाले फ्लोर पे लगता है, जिस भाई की ये देख सकते हो स्क्रीन पे खाने पीने वाली चीज़ें जिस पे रहती है, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन गाइज एक चीज़ मुझे इसमें की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई आप लोग सामान भी लोगे ना और फिर उसकी बिलिंग कराने जब जाओगे, 11, 12, 7, 13 काउंटर है, लेकिन गाइज जो बिलिंग करने वाले लोग रहते हैं ना काउंटर पे वो रहते ही नहीं है सभी काउंटर पे, पता नहीं क्यों, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गाइज टाइम लग जाता है। ऑल राइट गाइज, सो गाइज अभी मैं आ गया हूँ घर पे। गाइज देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गाइज थकान सी हो गई है एकदम, शायद 5-6 शॉपिंग मॉल मैंने एक्सप्लोर किया, वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल थे मऊ में, लेकिन वर्थ इट नहीं थे, आप लोगों के लायक नहीं थे। मतलब लायक का मतलब पता नहीं कौन किस में जाता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी नज़र से जो मुझे शॉपिंग मॉल अच्छा लग रहा था गाइज मैं वो आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर दिया हूँ। सो जाओ अगर जिस भाई लोगों को भी लेना है, मतलब अगर ब्रांडेड जो पहनते हैं भाई वो उसमें जा सकते हैं ट्रेंड्स में, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। सारे जितने भी मैंने शॉपिंग मॉल आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए थे सारे के सारे गाइज वर्थ इट है। अरे यार ऊपर से लोग थक के ये जितना है ना ये मेरा शूज़ इसमें इस रूम में लगा दिए, बोल रही है कि तुम जाते हो ऊपर अपने शूज़ के चक्कर में सारा डब्बा इधर उधर कर देते हो, तो अब जो भी पहनना रहेगा इसमें से भाई, और सब पे सब शूज़ के मेरे नाम भी इस पे लिखे। छोड़ो इसको गाइज, सो इस वाले ब्लॉग पे वो फोकस करो। सो आज का ब्लॉग इस यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। पता नहीं अब कब मैं फ्री हो पाऊँगा, कब ब्लॉग बनाऊँगा। सो भाई इस वाले ब्लॉग पे अपना प्यार देना, फिर मिलते रहेंगे, ठीक है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो आई मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी डूड, बाय।